प्रगतिशील हिमाचल के तहत आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कसौली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर कई जुबानी हमले भी किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं जनता के बीच जाकर इन दिनों कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आए तो वो करेंगे, लेकिन अब तो उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष सरेआम कहने लगी कि अगर अब की बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो 25 से 30 सालों तक नहीं आएगी। सीएम ने कहा कि आज ये सच्चाई है और भाजपा रिवाज बदलने के साथ प्रदेश में सत्ता की राजनीति को बदलेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश विश्व स्तर पर अलग छाप छोड़ता है तो उसका श्रेय प्रदेश की मेहनतकश जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर घर में पानी और बिजली की सुविधाएं हैं, हर गांव तक सड़क है, संपर्क मार्ग बनाए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज विपक्ष के साथ ही उनसे पूछते हैं कि हिमाचल के 75 वर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसमें श्रेय किसका है, लेकिन हिमाचल को बनाने में और हिमाचल को संवारने में प्रदेश की जनता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कई सरकारें बनी लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर कैसे प्रदेश की जनता का पेट का बोझ उतरेगा। उन्होंने कहा कि आज अगर प्रदेश में हर गांव तक सड़क पहुंचती है तो उसके लिए भाजपा सरकार ने बेहतर कार्य किया और उसका जीता जागता जवाब अटल टनल है। मुझे लगता है जिसको चुनाव से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष हो गए और 75 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बेहतरीन सफर तय किया है, हर क्षेत्र के विकास में आगे बढ़े हैं और उन सारी बातों का जिक्र लोगों के सामने होना चाहिए और जिन लोगों की वजह से 75 वर्ष में इस हिमाचल प्रदेश की इस विकास यात्रा में यहाँ तक का पहुँचने का योगदान रहा है उनको इसका श्रेय देना चाहिए। हम लोगों को इसका श्रेय दे रहे हैं, जनता को श्रेय दे रहे हैं, मेहनत कश लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश को बनाने में अपना योगदान दिया उनको बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन करता हूँ। सर ऐसा है कि जहाँ तक विपक्ष की बात है, जब कुछ नहीं है उनके पास करने को, कुछ नहीं है बोलने के लिए, वो बोलते रहेंगे। हम अपना काम करेंगे। बेरोजगारी को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी पार्टी का योगदान रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा, देश में भी और प्रदेश में। यही जो बेरोजगार यात्रा को आगे आज नेतृत्व कर रहे हैं उनसे ही पूछते हैं। पिछली बार शिमला के रिज के मैदान से लेकर के वहाँ पर पिटर हॉफ तक रैली की गई और बेरोजगारों को कहा कि तुम आ जाओ और सोर्स वर्ग को कहा कि आ जाओ और नारा लगाओ कि सातवीं बार राजा साहब। लेकिन क्या उन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया? क्या उन जो आउटसोर्स कर्मचारी उनको पक्का किया? ये प्रश्न है, उनका जवाब देना पड़ेगा। पहले